ये जो बगीचा है यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत सब्जी लगा रखी है और इस सीज़न में, जाड़ों के सीज़न में खूब सारी पालक भी यहाँ पर से हम लोग खा चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा पालक बचा हुआ है और थोड़ा ये पालक देखिए अलग अलग जो हुआ है, ये बहुत बड़ा हो गया है और इसकी आज मैं सब्जी भी बनाने वाली हूँ। थोड़े दिनों में फूलने लग जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, इससे पहले मैं इसकी सब्जी बना लेती हूँ। तो सोच रही हूँ कि आज पालक पनीर बनाया जाए, तो पहले मैं इसको अच्छे से धो के कट करके इसको बॉयल कर लूँगी। तो बॉयल करने के लिए यहाँ पर रख दिया है और अच्छे से बॉयल भी हो चुका है, तो ठंडा करके मिक्सी में इसे पीस लेंगे। और एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है थोड़ा सा तेल और इसमें अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद इसका पेस्ट बना लूँगी। तो लहसुन अदरक हरी मिर्ची और प्याज को अच्छे से यहाँ पर मैंने थोड़ी देर तेल में चला लिया है और थोड़ी देर प्याज हल्का सा जब भुन जाएगा उसके बाद इसमें डालेंगे टमाटर। अच्छे से इसको बिल्कुल अच्छे से नहीं भुनना है, हल्का सा इसमें जैसे कि थोड़े सॉफ्ट हो जाए टमाटर वैसे ही बस। उसके बाद इसे ठंडा होने देना है और मिक्सी में इसका पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर मेरा जो पेस्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। तो पालक का ये रहा और ये रहा टमाटर प्याज का पेस्ट। और अब कढ़ाई में ले लिया है मैंने तेल, तो यहाँ पर उसी कढ़ाई में मैंने तेल लिया था, जीरा डाल लिया है और अब डालूँगी मैं इसमें जो टमाटर प्याज का पेस्ट बनाया था वो, और इसको अच्छे से यहाँ पर भून लेना है। अच्छे से भूनने के बाद इसमें अब हम डालेंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसाले में वही रेगुलर मसाले मैंने डाले हैं, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और अच्छे से इसको भून लेंगे मसाला जब तक कि तेल ना छोड़े तब तक। और उसके बाद डाल दिया है जो पालक की प्यूरी बनाई हुई थी वो, तो यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। ये रहा पनीर और यहाँ पर यही पनीर मिलता है आपको, कहीं डेयरी में जाके पनीर बहुत ही कम मिलेगा तो इसी तरह का यहाँ पर पनीर मिलता है। तो अब स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है और ये रहा पनीर और इसको एक एक करके इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा स्वाद बनाने के लिए मैंने गरम मसाला भी इसमें ऐड कर लिया है और इसको चला लेंगे। और थोड़ी देर अब इसमें डाल देते हैं पनीर, तो पनीर भी डाल दिया है। पनीर डालने के बाद 5 से 10 मिनट इसे अच्छे से गाढ़ा होने दीजिएगा और पालक पनीर गाढ़ा ही अच्छा लगता है। क्रीम तो नहीं है पर मैंने थोड़ा सा इसमें मलाई ऐड कर ली है 1 चम्मच के करीब और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा बटर। तो बन चुका है हमारा पालक पनीर और साथ में मैंने गाजर का हलवा बनाया था। गाजर का हलवा की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ पर आज मैंने गाजर के हलवे में खोया बिल्कुल नहीं डाला है, मैंने डाला है यहाँ पे जो दूध की मलाई होती है वो, उससे भी गाजर का हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आपके पास मलाई इस तरह रखी हुई हो 2 या 3 दिन की तो आप इस तरह डाल के भी गाजर का हलवा बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसको अच्छे से सूखने दीजिएगा और फिर सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको अगर मेरी ये छोटी छोटी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।